गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे आई एम स्टार्टिंग विद द रिवीजन ऑफ योर चैप्टर नंबर 2, सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी. नाउ आई हैव ऑलरेडी गिवन यू द एनसीईआरटी क्वेश्चंस एंड आंसर सॉल्यूशंस, एज वेल एज आई हैव ऑल्सो गिवन यू सम ऑफ द एक्स्ट्रा क्वेश्चंस दैट यू कैन प्रिफर. बट अपार्ट फ्रॉम दैट आई एम ऑल्सो यूजिंग सम ऑफ द अदर बुक्स लाइक एग्जाम आइडिया और यू कैन यूज ओसवाल, सो दैट यू कैन गेट मोर एंड मोर क्वेश्चंस एंड यू कैन प्रिपेयर योर self, because in this exam don't be dependent only on the NCERT questions and answers or the extra questions given by me, also refers other books as well. So right now I am going to just discuss some of the 3 marks questions which can come from this chapter. At least you will come to know what are the different types of questions that could be asked from the topic. We have already covered with all the topics, so we'll just have a small discussion like what answers could be written in it. So 1 mark questions of course I am not discussing, because 1 mark questions can be like anything. It can be asked from any of the topic for any of the small topics. So directly I am referring to 3 marks question. So the very first question is, explain the meaning of tertiary sector and mention any 4 economic activities of this sector. So in this question you have to just write the definition of the tertiary sector, that is which is providing the various kinds of services or facilities to the primary and secondary sector, that is termed as tertiary sector. So marking I have already given to you for this question. What do you define tertiary sector in your extra question? So you can use that also. Again I am reminding ki zaruri nahi hai ki jo answer isme likha hai aapko wahi likhna hai. Like is type of question mein jo marking maine agar aapko di hui hai, agar aapko lag raha hai ki wo marking mein टेक्सबुक में से काफी इजी वर्ड्स में है, तो यू कैन यूज दैट मार्किंग ऑल्सो. बट आंसर क्वेश्चन का है, रिलेटेड आंसर्स आपको लिखने हैं. ठीक है, तो इस क्वेश्चन में आपको क्या लिखना होगा, सबसे पहले यू हैव टू राइट डाउन दी डेफिनेशन ऑफ द टर्शियरी सेक्टर एंड सेकेंड मेंशन एनी 4 इकोनॉमिक एक्टिविटी. यानी ये टर्शियरी सेक्टर में क्या क्या आता है, तो इसके एग्जाम्पल्स क्या हो सकते हैं, तो कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग, स्टोरेज, वेयर हाउसिंग, तो दीज आर दी एग्जाम्पल ऑफ योर tertiary sector. So you have to write this question in this way. Now the second question, why is the tertiary sector becoming more and more important in India? Explain by giving reasons. So maine ye aapko already textbook mein mark karwaya hua hai. So the tertiary sector is gaining importance because of following reasons. So sabse pehle reason kya hai, kuch basic services hote hai जैसे कि ट्रांसपोर्ट, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, इंश्योरेंस है, पोस्टल सर्विसेज है, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस है, ये आप जो आपको चाहिए होता है. एंड फॉर दिस दी गवर्नमेंट हैज टू टेक दी रिस्पॉन्सिबिलिटी. तो दिस वुड बी योर फर्स्ट पॉइंट. देन सेकेंड पॉइंट में आपको ये लिखना है कि जैसे जैसे आपका एग्रीकल्चर एंड प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर ग्रो होगा, इट विल बी डिमांडिंग मोर एंड मोर सर्विसेज, जैसे कि ट्रांसपोर्ट वगैरह चाहिए. सो टर्शियरी सेक्टर, देर विल बी मोर एंड मोर डिमांड फॉर टर्शियरी सेक्टर एज वेल. फिर थर्ड पॉइंट होगा इनकम के ऊपर, जैसे जैसे लोगों की इनकम बढ़ेगी, ठीक है, दे विल स्टार्ट डिमांडिंग मोर एंड मोर फैसिलिटीज. जैसे अब उनको मॉल्स की जरूरत होगी, सिनेमा थिएटर्स की जरूरत होगी, प्राइवेट ट्यूशंस की जरूरत होगी, सो टूरिज्म की जरूरत होगी, सो अगेन दी डिमांड विल इंक्रीज. देन यू हैव टू राइट डाउन आईटी के बारे में कि जैसे जैसे नए सर्विसेज है, इन्फॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इसके वजह से भी टर्शियरी सेक्टर विल ग्रो. सो जैसे जितना ज्यादा प्राइमरी सेकेंडरी सेक्टर डेवलप होगी, उतना ज्यादा डिमांड ये सर्विसेज की बढ़ेगी. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ इज टर्शियरी सेक्टर डिफरेंट फ्रॉम अदर 2 सेक्टर्स. तो यू कैन जस्ट नोट डाउन द पॉइंट्स. पहले तो यू हैव टू शो कि इट इज प्रोवाइडिंग दी सर्विसेज, जो हेल्प चाहिए होते हैं इन फॉर्म ऑफ ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग, सो इट इज प्रोवाइडिंग यू दिस काइंड ऑफ सर्विसेज, सो बैकबोन है. एंड जैसे जैसे प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर डेवलप हो गए, दिस रिक्वायरमेंट ऑफ दिस सर्विसेज विल ऑल्सो इंक्रीज. देन द नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी, क्लासीफाई द इकोनॉमिक सेक्टर ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ एक्टिविटी और मेंशन दी मेन फीचर्स, या एक्सप्लेन दी 3 सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज, और एक्सप्लेन दी प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर बाय गिविंग एग्जांपल्स ऑफ ईच, और हाउ आर दी 3 सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमिक डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, एक्सप्लेन. तो यहाँ पे आपको और कुछ नहीं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर के बीच का डिफरेंस आपको एक्सप्लेन करना होगा. याद रखिएगा, व्हेनेवर इकोनॉमिक एक्टिविटी बोला होगा, ठीक है, इकोनॉमिक एक्टिविटी मतलब आपके 3 सेक्टर्स आएंगे, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी. सो यू हैव टू जस्ट, आपको डेफिनेशन के फॉर्म में आप उसको अलग कर सकते हो, एग्जाम्पल्स देके अलग कर सकते हो, फिर इनका सेकेंड नाम क्या है, जैसे प्राइमरी सेक्टर इज ऑल्सो टर्म्ड एज एग्रीकल्चरल सेक्टर, सेकेंडरी इज ऑल्सो टर्म्ड एज इंडस्ट्रियल सेक्टर, एंड टर्शियरी इज ऑल्सो टर्म्ड एज सर्विस सेक्टर, और फिर उनके लिए एक एक एग्जाम्पल. तो इस वे में 3 पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस यू कैन क्रिएट और यू कैन राइट फॉर ऑल दी 3 डिफरेंसेज. सो दिस वेराइटीज ऑफ क्वेश्चन कुड बी आस्क्ड ओनली फॉर 1 क्वेश्चन. देन दी नेक्स्ट इज, एक्सप्लेन एनी 3 रीजन्स फॉर दी प्राइमरी सेक्टर टू बी लार्जेस्ट एम्प्लॉयर इन इंडिया. तो हमने ये पॉइंट ऑलरेडी देखा था वो ग्राफ में, जहां पे दिया था कि भले टर्शियरी सेक्टर ग्रो कर रही है, बट स्टिल अगर हम एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो प्राइमरी सेक्टर इज एट दी टॉप.
What is the main reason for this? Because still majority of the people, they are dependent upon the agriculture, or agriculture is still the mainstay of people in India. So that is the reason why majority of the people are still dependent on a primary sector. Just a minute. Okay, so this you have to write. The next question is, classify the sectors of economy on the basis of ownership. Or how are the economic activity classified on the basis of ownership? Explain with suitable examples. Or differentiate between public and private sector. Or differentiate between public and private sector in economy with examples. So again over here, whenever economic activity on the basis of ownership bole, theek hai, to on the basis of ownership hai, to aapko kiske bare mein likhna hai? You will have to write about public and private sector. So again, aapko ye dono ke beech mein differentiate kaise karoge? To first will be on the perspective of definition. कि जो अगर कंट्रोल या मैनेज बाय गवर्नमेंट होता है सो दैट इज अ पब्लिक सेक्टर. सिमिलरली व्हेन इट इज मैनेज बाय एन इंडिविजुअल प्राइवेट इंडिविजुअल इट इज टर्म्ड एज प्राइवेट सेक्टर. देन सेकेंड में यू कैन राइट डाउन अबाउट द एम. तो यहाँ पे फॉर पब्लिक सेक्टर द एम इज नॉट ओनली टू अर्न प्रॉफिट बट टू प्रोवाइड वेरियस काइंड ऑफ सर्विसेज टू द पब्लिक विच आर इन पब्लिक इंटरेस्ट. सिमिलरली प्राइवेट में मेन मोटिव क्या होता है? ओनली प्रॉफिट मोटिव. एंड थर्ड यू कैन राइट डाउन द एग्जाम्पल. जैसे रेलवे पोस्ट ऑफिस ये आपका आ जाता है पब्लिक सेक्टर में. सिमिलरली आपके जो बड़े बड़े कंपनीज है टिस्को है रिलायंस है ये दिस विल बी द एग्जांपल ऑफ योर प्राइवेट सेक्टर. सो दिस ऑन दिस थ्री बेसिस यू कैन डिफरेंशिएट बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर. देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स द अनऑर्गेनाइज सेक्टर इन अर्बन एरियाज. व्हाई डू वर्कर्स इन दिस सेक्टर्स नीड प्रोटेक्शन. तो सबसे पहले तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में कौन आते हैं? व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स मतलब ऑर्गेनाइज सेक्टर में कौन आते हैं? सो हियर यू कैन राइट डाउन वर्कर्स इन स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, कैजुअल वर्कर्स, ट्रेड ट्रांसपोर्ट, ठीक है, या स्ट्रीट वेंडर्स है, गारमेंट मार्कर्स है, ये सारे आपके अनऑर्गेनाइज सेक्टर में आते हैं. और इनको प्रोटेक्शन करने की क्यों जरूरत है? बिकॉज इनके साथ काफी डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है. बिकॉज मैक्सिमम ऑफ द पीपल जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में है वो एससी एसटी या जो बैकवर्ड क्लासेस है उसको बिलोंग करते हैं. इसलिए इन लोगों के साथ काफी तरह की डिस्क्रिमिनेशन किए जाते हैं. सो इनको प्रोटेक्ट करने की जरूरत है. देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द प्रॉब्लम ऑफ अंडर एम्प्लॉयमेंट इन सर्विस सेक्टर इन अर्बन एरियाज. नाउ प्रॉब्लम ऑफ अंडर एम्प्लॉयमेंट वी हैव ऑलरेडी स्टडीड. जैसे कि बहुत सारे लोग लाइक उनको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है काम करने की. सो उनको जो भी काम मिलता है वो वही काम करने में मजबूर हो जाते हैं. सो दैट इज द प्रॉब्लम ऑफ अंडर अनएम्प्लॉयमेंट. देन नेक्स्ट इज हाउ डज सर्विस सेक्टर इन इंडिया प्रोवाइड डिफरेंट काइंड ऑफ सर्विसेज. और एक्सप्लेन हाउ द पब्लिक सेक्टर कंट्रीब्यूट टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ अ नेशन. सो हियर ऑल्सो मैंने लास्ट टॉपिक अगर आपको याद हो तो ये हमने देखा था कि बहुत सारे पब्लिक सेक्टर क्या है कि बहुत सारे असेंशियल थिंग्स है जो प्राइवेट सेक्टर नहीं कम दाम में नहीं प्रोवाइड कर सकती. सो यहाँ पे पब्लिक सेक्टर वो काम करने लगती है. दे सेटअप हैवी इंडस्ट्रीज जहाँ पे लॉट ऑफ मनी की जरूरत है. फिर वो मनी अर्न नहीं करती लेकिन वो पीपल को भी बेनिफिट करती है. एंड सारी की सारी यहाँ पे कंट्रोल बाय गवर्नमेंट है. प्रोवाइड हेल्थ एंड एजुकेशनल फैसिलिटीज. सो यहाँ पे लाइक जो लास्ट टॉपिक है वो क्वेश्चन आप वहाँ पे ये आंसर यहाँ पे आप लिख सकते हो. देन डिस्क्राइब द कंट्रीब्यूशन ऑफ थ्री सेक्टर्स इन इंडियन इकोनॉमी. सो अगेन ऑल द थ्री यहाँ पे यू हैव टू राइट डाउन अबाउट इंटरडिपेंडेंसी. हमने जो सेकेंड पेज अगर आपका होगा कि तीनों के तीनों एक्टिविटीज किस तरह से इंटरडिपेंडेंट है तो लाइक दो या तीन एग्जाम्पल डिपेंडिंग अपॉन द मार्क्स यू कैन टेक इन ऑर्डर टू शो हाउ दी थ्री सेक्टर्स आर इंटरडिपेंडेंट. देन ऑल द सर्विस सेक्टर इज नॉट ग्रोइंग इक्वली वेल इन इंडिया. जस्टिफाई दी स्टेटमेंट विथ थ्री आर्ग्यूमेंट्स. और सर्विस सेक्टर इन इंडिया एम्प्लॉयज टू टाइप्स ऑफ पीपल. एक्सप्लेन बाई गिविंग सुटेबल एग्जाम्पल. तो यस यहाँ पे भी ये भी आंसर हमने ऑलरेडी मार्क किया हुआ है आपके टेक्स्ट बुक में. सो हियर यू हैव टू राइट डाउन कि सर्विस सेक्टर में दो लोग होते हैं. ऑन वन एंड देर आर हाईली प्रोफेशनल जिनको हाई टेक्नोलॉजी स्किल्स की जरूरत पड़ती है. जैसे कि एजुकेटेड वर्कर्स जो है जो मैनेजर्स है, लॉयर्स है, अकाउंटेंट्स है, डॉक्टर्स है, दे कम एट दी वन एंड. जबकि सेकेंड एंड में देर आर दी अदर वेराइटीज ऑफ वर्कर्स जो अनऑर्गेनाइज है जैसे जो ट्रांसपोर्ट, रिपेयरिंग, शॉपकीपर्स और इनका काम करते हैं. सो दीस आर दी टू सेक्टर्स जहाँ पे मतलब टू पार्ट ऑफ सर्विस सेक्टर्स है एंड ऑल्टरनेटिव नहीं है. सो Only some part of the sector is growing. Then again, explain the interdependence of all three economic sectors, giving examples of from transportation system. यानी again जो table हमने देखा था वो table में से transport का एक example लेके आप उसको समझा सकते हो. Then how would income and employment increase if farmers are provided with loan, irrigation and transportation facility? ये थोड़ा logical question है. तो इसमें आप आपके points डाल सकते हो कि क्या है. जैसे कि अगर आप उनको loan provide करते हो तो they will be able to कंस्ट्रक्ट वेल या इरिगेशन फैसिलिटी डेवलप कर सकते हैं या फर्टिलाइजर्स या केमिकल्स वो अच्छी तरह से खरीद सकते हैं.
देन इरिगेशन से क्या होगा, तो एक के साथ वो दूसरा क्रॉप भी क्रॉपिंग कर सकते हैं जब बरसात नहीं हो, सो ट्रांसपोर्ट सेकेंड क्रॉप की पॉसिबिलिटीज आ सकती है। देन ट्रांसपोर्टेशन होगा तो क्या होगा, वो अपने प्रोड्यूस को मार्केट तक लेके जा सकते हैं। ठीक है, तो लाइक ये लॉजिकल क्वेश्चन जो है आप उसको आपके फॉर्म में एक्सप्लेन कर सकते हो, जितना नंबर ऑफ मार्क्स होगा उतने नंबर ऑफ पॉइंट्स यू विल हैव टू राइट। देन हाउ इज टर्शियरी सेक्टर डिफरेंट फ्रॉम अदर सेक्टर्स, गिव्स एग्जाम्पल्स। अगेन आई थिंक दिस क्वेश्चन यू आर मच मोर क्लियर, सो मूविंग टू नेक्स्ट। डिफाइन टर्शियरी सेक्टर, डिस्क्राइब अबाउट डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल एम्प्लॉयड इन दिस सेक्टर। सो अगेन टर्शियरी सेक्टर का डेफिनेशन एंड डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल, मतलब एक एजुकेटेड एंड दूसरे अनएजुकेटेड, तो उसके बारे में आपको लिखना होगा। देन एक्सप्लेन वाई सर्विस सेक्टर इज गेनिंग मोर इम्पोर्टेंस और फाइव रीजन फॉर ग्रोथ ऑफ सर्विस सेक्टर, और एक्सप्लेन द राइजिंग इम्पोर्टेंस ऑफ टर्शियरी सेक्टर, और हाउ फार इट इज करेक्ट टू से दैट इन रिसेंट पास्ट इंडिया हैज एक्सपीरियंस सम सिग्निफिकेंट चेंज इन कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी बाय सर्विस सेक्टर, और वाई टर्शियरी सेक्टर इज ग्रोइंग सो रैपिडली। तो जैसे हमने प्रीवियसली देखा था बेसिक सर्विसेज, फिर इनकम लेवल, फिर आईसीटी, एंड उसी के बारे में आपको वो आंसर डिटेल में, यहाँ पे 5 मार्क का क्वेश्चन है, ठीक है, दिस इज द 5 मार्क क्वेश्चन, सो यू विल हैव टू राइट डाउन 5 पॉइंट्स। तो जो हमने वाई टर्शियरी सेक्टर इज ग्रोइंग इम्पोर्टेंस वाला पॉइंट देखा था, तो सेम पॉइंट यही पे आपको लिखना है, लेकिन आपको टोटल 5 पॉइंट लिखने पड़ेंगे। देन अगेन वेन अ कंट्री डेवलप्स, कंट्रीब्यूशन ऑफ प्राइमरी सेक्टर डिक्लाइन एंड दैट ऑफ सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर इंक्रीजेस, एनालाइज द स्टेटमेंट और डिस्क्राइब द हिस्टोरिकल चेंजेस दैट हैव टेकन प्लेस इन सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी इन डेवलप्ड कंट्रीज। तो अगेन ये वाला क्वेश्चन भी मैंने आपको टेक्स्ट बुक में मार्क करवाया हुआ है, हमने देखे होंगे हिस्टोरिकल चेंजेस, यानी पहले सबसे पहला इंपॉर्टेंस किसको दिया गया था, प्राइमरी सेक्टर को दिया गया था, एग्रीकल्चर सेक्टर ग्रो रहा था, फिर जैसे जैसे एलपीजी दैट इज लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन हुआ, तो पीपल स्टार्टेड शिफ्टिंग टू सेकेंडरी सेक्टर, मोर एंड मोर इंडस्ट्रीज वर क्रिएटेड, सो पीपल को वहां पे जॉब करने का मौका मिला, इनकम बढ़ाने का मौका मिला। एंड नाउ अभी में क्या है कि जैसे जैसे सर्विस सेक्टर, मोर एंड मोर सर्विसेज की डिमांड बढ़ रही है, तो सर्विस सेक्टर इज इंक्रीजिंग, सो दैट हिस्टोरिकल चेंजेस वाला आंसर आपको यहाँ पे लिखना होगा। देन व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ सेकेंडरी सेक्टर इन इंडियन इकोनॉमी, हाउ इट डज हेल्प इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। सो अगेन इम्पोर्टेंस एज यू ऑल नो कि उनका काम क्या है, रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करना है फिनिश गुड में, सो दैट इज द इम्पोर्टेंस। एंड ये किस तरह से हेल्प करती है इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, तो अगेन ये थोड़ा लॉजिकल क्वेश्चन है, तो यहाँ पे यू कैन राइट डाउन कि जैसे इट प्रोड्यूसिंग मोर एंड मोर गुड्स, तो क्या होगा कि ज्यादा से ज्यादा गुड्स एंड सर्विसेज मैन्युफैक्चर हो गए इंडिया में या हमारे कंट्री में, तो अवर डिपेंडेंस ऑन अदर कंट्री विल डिक्रीज। जीडीपी में जितना ज्यादा प्रोडक्शन होगा उतना ज्यादा इट इज गोइंग टू कंट्रीब्यूट टू दी जीडीपी ऑफ द कंट्री, एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करेगा लोगों को, एंड अवर कंट्री विल बिकम सेल्फ सफिशियंट बिकॉज वी विल बी प्रोड्यूस, हमारा जितना ज्यादा हम लोकल गुड्स प्रोड्यूस करेंगे उतना ज्यादा एक्सपोर्टेड आइटम पे हमारा डिपेंडेंसी डिक्रीज हो जाएगी। सो दिस वे यू कैन राइट डाउन दी पॉइंट्स। अगेन एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ सर्विस सेक्टर और 5 फीचर्स ऑफ टर्शियरी सेक्टर, सो आई थिंक दिस इज मच मोर क्लियर नाउ। डिस्क्राइब एनी 5 प्रोविजन्स ऑफ नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005, सो आई थिंक दिस ऑल्सो नेगा के बारे में आप लिख सकते हो कि 100 डेज का एम्प्लॉयमेंट अशर एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है, देन अगर 15 डेज के अंदर उनको एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलती है तो एम्प्लॉयमेंट के अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस विल बी प्रोवाइडेड, देन गवर्नमेंट इज एक्सटेंडेड, ये 600 डिस्ट्रिक्ट में इट हैज बीन एक्सटेंडेड दी सर्विसेज, एंड अगेन 2 मोर पॉइंट्स यू कैन जस्ट फाइंड आउट फ्रॉम दी नेगा जो मैंने आपको मार्क करवाया है। देन देर हैज बीन अ बिग चेंज इन 3 सेक्टर्स ऑफ बट अ सिमिलर शिफ्ट हैज नॉट टेकन प्लेस इन शेयर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, एक्सप्लेन दी स्टेटमेंट ऑन दी बेसिस ऑफ दी फैक्ट। इसका मतलब यहाँ पे आपको फैक्ट्स के साथ बताना होगा, जैसे इंडस्ट्रियल 8 टाइम्स इंक्रीज हुआ है बट एम्प्लॉयमेंट सिर्फ 2.5 या 2 to 5 टाइम्स इंक्रीज हुआ है, सिमिलरली प्रोडक्शन भी बढ़ गया है लेकिन एम्प्लॉयमेंट नहीं बढ़ा है, मोर ऑफ दी हाफ ऑफ दी वर्कर्स जो प्राइमरी सेक्टर में काम करते हैं वो सिर्फ 1/4 ऑफ दी गुड्स दे आर मैन्युफैक्चरिंग, देन सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर दे आर 3/4 ऑफ दी प्रोड्यूस है लेकिन एम्प्लॉयमेंट के नाम पे स्टिल इट इज लेस, एंड प्राइमरी सेक्टर में डिसगाइज एम्प्लॉयमेंट बहुत सारे है, एंड सिमिलरली जो सेकेंडरी टर्शियरी सेक्टर में वर्कर्स है दे आर ऑल्सो वर्किंग ओवर टाइम, सो दिस फॉर दिस क्वेश्चन आंसर यू कैन रिफर फ्रॉम हियर। सो दिस इज द टॉपिक, सो इनफ फॉर टूडे, रिमेनिंग जो टॉपिक्स है वी विल सी टूमोरो। थैंक यू।